नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है वाटरफॉल अर्थात जलप्रपात। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जलप्रपात के नाम हैं, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये सभी जलप्रपात हैं। इधर दोस्तों आपको नदी का नाम मिलेगा जिस नदी पर ये जलप्रपात पाए जाते हैं, और जिस राज्य में है उस राज्य का नाम यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले जलप्रपात की बात करते हैं। पहला जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जिसे हम गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, या इसे राजा रानी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो पहला जलप्रपात जोग जलप्रपात, या फिर गरसोप्पा जलप्रपात, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, या राजा रानी जलप्रपात, चार नाम आपको याद रखने होंगे। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कौन सी नदी पे है दोस्तों, ये होते हैं शरावती नदी पर ये जलप्रपात पाया जाता है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जलप्रपात क्या होते हैं। तो दोस्तों, जलप्रपात का मतलब है बहते हुए नदी का पानी जब किसी चट्टान से टकरा कर नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। चलिए आपको हम जलप्रपात की एक इमेज दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जलप्रपात है। किसी नदी का पानी इस चट्टान से टकरा कर ये नीचे गिर रहा है, तो ये हो गया दोस्तों जलप्रपात अर्थात झरना। तो यहाँ पे झरने का निर्माण हो गया, ये हो गया दोस्तों जलप्रपात। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे जलप्रपात की। पहला जलप्रपात आप समझ गए होंगे, जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। दूसरा जलप्रपात दोस्तों कुंची जलप्रपात। कुंची जलप्रपात जो है बाराही नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। कुंची जलप्रपात कौन सी नदी पर है दोस्तों, बाराही नदी पर है, और दोस्तों कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। चलिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, कुंची काल, कुंची कुछ ना कुछ जो काल होता है हमेशा बारह मास मंडराता रहता है, कुछ ना कुछ काल मनुष्य पर बारह मास मंडराता रहता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंची काल जलप्रपात कौन सी नदी पर है, बाराही नदी पर है, कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। अगली बात करते हैं दोस्तों, तीसरा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है, और ये भी दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कर्नाटक राज्य में है और कावेरी नदी पर है। चौथा जलप्रपात है दोस्तों धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, या फिर इसे संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं। पांचवा जलप्रपात है कपिलधारा, और छठवां जलप्रपात है सहस्त्रधारा। ये तीनों दोस्तों नर्मदा नदी पे हैं और मध्य प्रदेश राज्य में ये पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसको आप किस प्रकार याद रखेंगे, तीनों में एक में धार है, इसमें धारा है, और इसमें भी धारा है। चारों जो है तीनों जो है नर्मदा नदी पे हैं और मध्य प्रदेश में हैं। तो धार, धारा और धारा, धुआंधार, कपिल धारा और सहस्त्र धारा, यह है नर्मदा नदी पे। तो दोस्तों धुआंधार, कपिल धारा और सहस्त्र धारा नर्मदा नदी पे पड़ते हैं और मध्य प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। सातवां जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात दोस्तों बिहार नदी पर पड़ता है और मध्य प्रदेश में है। तो ये हो गई दोस्तों चचाई जलप्रपात की बात। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है और मध्य प्रदेश में है, ये हो गई चचाई जलप्रपात की बात। चलिए अगले जलप्रपात की बात करेंगे। आठवां जलप्रपात है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है और राजस्थान में दोस्तों ये पड़ता है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पे है।
अगला जलप्रपात दोस्तों दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे है और गोवा में पड़ता है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे गोवा में पड़ता है। अगला जलप्रपात है दोस्तों डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पे है, मचकुंड नदी पे है और उड़ीसा में यह जलप्रपात पड़ता है। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पे है और उड़ीसा में है। ये हो गए दोस्तों 10 जलप्रपात। 11वां जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जिसे हम मिनी नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जैसे नियाग्रा जलप्रपात कनाडा व यूएसए में है, उसी प्रकार से ये जलप्रपात जो है उसी नियाग्रा जलप्रपात जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन उसकी तुलना में इतना बड़ा जलप्रपात नहीं है, इसलिए इसे मिनी नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। वास्तव में नियाग्रा जलप्रपात कनाडा प्लस यूएसए में है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पे है। भारत का ये चित्रकूट जलप्रपात जिसे हम मिनी नियाग्रा जलप्रपात या फिर भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, ये इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में है। बारहवा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में है। आपने पढ़े होंगे राजस्थान के जो आभूषण हैं उनमें आपने पढ़ा होगा घुंघरू, उसी प्रकार ये ट्रिक आपको याद रखनी ये है दोस्तों हुंडरू। घुंघरू सोने के यदि हम बनवा लें तो उसी प्रकार ध्यान रखना है आपको हुंडरू सोने के। मान लीजिए किसी ने अपने घुंघरू सोने के बनवाए हैं और वो घुंघरू किसी के घर के आंगन में वो खो गए हैं, तो सुबह झाड़ते समय वो घुंघरू आपको मिल गए हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड में, मतलब घुंघरू जो हैं सोने के हैं और झाड़ते समय ये पा गए, तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में पड़ते हैं। चलिए एक ट्रिक और बताते हैं हम। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नाम की कोई महिला है, चित्रकूट इंद्रावती नाम की महिला का कोई चित्र है, वो 36 रुपए में बिकता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नामक महिला का चित्र जो है, फोटो जो है, 36 रुपए में बिकता है। देखो दूध सागर जलप्रपात को कैसे याद रखना है। मांडवी नाम की कोई गाय है, मांडवी नाम की क्या है? गोवा मतलब गाय। मांडवी नाम की कोई गाय है जो कि जिसका दूध जो है झरने से गिरता है, अर्थात मांडवी नदी का जो पानी है दूध सागर जलप्रपात बनाता है और गोवा में है। चूलिया जलप्रपात सामान्यतः याद रह जाता है दोस्तों, चंबल नदी पे है, राजस्थान में है। तो ये बात हो गई दोस्तों भारत के प्रमुख वाटरफॉल्स या फिर जलप्रपात की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। हाँ, और कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार आपको यदि किसी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित क्लासेज चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर डाल दी जाएंगी, लेकिन वो आपकी कमेंट को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट से संबंधित क्लासेज अपलोड करवाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।